बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग खैरियत से होंगे। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जायके के सफ़र में आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल। आज हमने बनाए हैं, देखिए अपने किचन में, ये बैगन वाला रायता, बैगन का रायता जिसे बोलते हैं, या दही बैगन। तो चलिए हम बनाते हैं इसे, स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने देखिए बैगन लिया हुआ है, बैगन ये लंबा बैगन है। इस तरह से हम इसे गोल गोल स्लाइस कट कर लेंगे। इतने मोटे मोटे स्लाइस हमने कट किए हुए। आपके पास गोल बैगन है तो आप गोल बैगन ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। गोल बैगन को आप जो है चौकोर टुकड़ों में कट कर लीजिए। अब हमने एक तवा ले लिया हुआ है, मतलब कि पैन ले लिया हुआ है हमने। जी हाँ, एक पैन ले लिया हमने, उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम सेक लेंगे अलट पलट के बैगन को, इस तरह से थोड़ा इसका कलर हम ब्राउन रखेंगे। ब्राउन होने तक के इसे अलट पलट के सेक लेंगे। इस तरह से हम सारे बैगन को सेक लेंगे। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हमने सेक लिया है। अब चलिए, हमने एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें हमें बनाना है। इसमें हमने तेल देखिए डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब। ज़्यादा तेल नहीं इसमें जाएगा। अब इसमें एक हम महीन प्याज काट के डाल देंगे। अंडे वाली प्याज हमने महीन काटी है, ये प्याज इसमें एक जाएगी तेल में। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए प्याज को सौटे करेंगे। इसे हमें भूरा नहीं करना, यानी कि प्याज को एकदम सुनहरा नहीं करना है, बस लाइट कलर रखना है। जैसे कि ये देखिए लाइट पिंक कलर हो गया है, इस तरह से हमें रखना है। अब ये 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया, और 1/2 कप पानी अभी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले हम शामिल करेंगे। अब जैसे कि ये धनिया पाउडर, वो हमने 1 चम्मच डाल दिया, देखिए। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हमने आधी डाली है, 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/2 चम्मच। अब जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास कुटा भुना जीरा था, इसको हमने डाल दिया 1/2 टीस्पून। अब इन सबको हम भून लेंगे, मसालों को 1-2 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे हम अच्छे से, कच्चापन इसका निकल जाए। मसाले भून गए, अब इसमें 1/2 कप पानी और जाएगा। हमने 200 ग्राम दही लिया हुआ है, दही को हमने खूब अच्छे से फेंट लिया हुआ था। आप भी दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा फिर डालिएगा। ये 200 ग्राम दही लिया हमने, इसमें शामिल कर दिया। इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, सिर्फ नमक जाएगा। आप अपने हसबे ज़रूरत नमक इसमें शामिल कर दीजिए। हमने 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है, आप इसमें नमक शामिल कर दीजिए। अब इसे हम 1 उबाल आने तक के लिड लगा के रख देंगे। ये 1 उबाल आ गया इसमें। अब ये जो बैगन हमने फ्राई करके रखे थे सेक के तवे पर, ये बैगन इसमें हम शामिल कर देंगे। ये बैगन इसमें जाएंगे दही में। ये सारे बैगन इसमें हम शामिल कर देंगे, और 1 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे कवर कर के। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बैगन को गल जाएगा, मसाले सारे नमक मिर्च बैगन में अब्सॉर्ब हो जाएं। चलिए, अब हमने बंद कर दिया। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका हम तड़का लगाएंगे। तो हमने एक पैन में तेल 1 टीस्पून लिया हुआ है, तेल गर्म हो चुका है। इसमें देखिए हमने 1 पिंच हींग डाला हुआ है, और ये हमने 1/2 टीस्पून जीरा इसमें डाल दिया। अब जीरा चटकने लगेगा। अब ये देखिए जीरा चटक रहा है, तो फिर अब हम इसको तड़का देंगे। अभी हम इसमें 1 सूखी मिर्च डालेंगे।
अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप करी पत्ता भी इसमें डाल सकते हो तड़के में। अभी हमारे पास नहीं है तो हमने नहीं डाला है। अब इसे हम अपने रायते में पोर कर देंगे। ये तड़का रायते के ऊपर अब हम पोर कर देंगे। आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। ये बैंगन का रायता बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही लजीज होता है, जायके का होता है। मेहमान आए इस तरह से आप सर्व कीजिए बना करके, बहुत लाजवाब लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन फर्स्ट मिले।